बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। विजय सिन्हा ने फिर से कहा है कि बिहार सरकार केवल लोगों को भ्रमित कर रही है, 2% ही नौकरी दे रही है, 98% लोगों को धोखा दिया जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि जब आप नौकरी नहीं दे रहे थे तब इन लोगों का आरोप था कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास भी हमने कहा है कि हम सरकारी हम रोजगार क्रिएट करें, रोजगार क्रिएट करने के लिए उद्योग लगाने का काम, इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम, कैसे हम और यंगस्टर्स जो हमारा बड़ी आबादी जो युवाओं की है उस आबादी को हम कैसे उनके लाइवलीहुड को हम ठीक करें, उस पर हमारा काम हो रहा है। तो हम नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि विजय सिन्हा जी हमारे बड़ाई करें कि बहुत नौकरी मिल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो हम भाजपा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे चाहे विजय सिन्हा जी से। इसलिए उनका अपना भूमिका जो है उस अपने भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, जनता को हमने चुनाव के समय कमिट किया था, हम अपनी उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ी का काम क्यों किए NDA के मंत्री कि अपने समय में उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया? उनको भी तो अपने समय में नियुक्ति पत्र देना चाहिए था ना। जो भी मंत्री थे जो कह रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं बहुत लोगों का बयान आया है कि ये हमारे समय का किया हुआ है, तो नेचुरली सब चीज़ एक प्रोसेस से होता है। सरकार का कमिटमेंट है, मुखिया नीतीश कुमार है, उनके उनके समय में किया गया है और अब सब लोगों को जैसे जैसे फॉर्मुलेट होता जा रहा है हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी बड़ाई करें। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार, देखिए शराबबंदी पर हम बार बार कह रहे हैं, डाउरी एक्ट बना, SC ST एक्ट बना, उसके बाद आपका आर्म्स एक्ट, इन सब एक्ट के बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि डाउरी एक्ट में लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, SC ST एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है, आर्म्स एक्ट में परेशान नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से शराबबंदी भी एक तरह से सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है समाज सुधार का, जिसमें कि सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है लोगों को संवेदनशील करने का, सेंसिटाइज करने का, कड़ाई करने का, पकड़ा पकड़ी करने का, उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये उनका कहना था। ये तो सही बात है, गठबंधन का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव भी जीतेगा। कुछ तो रहने दीजिए समय के लिए। कानून व्यवस्था दुरुस्त है बिहार में? बीजेपी जब से अलग हुई है तब से सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था दुरुस्त। नहीं नहीं, उनका कोई काम नहीं है। देखिए बीजेपी का कोई काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सब कोई जो है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसलिए ये सब राग जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से, अब पता नहीं हो सकता है कि अब उनके पास जानकारी ज़्यादा हो। अब हम तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। अब सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का स्टैंड नीतीश कुमार पे इतना अटैक किया? अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। नेता जो बड़ा होता है ना तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना, कि अगर उन पर अटैक करेंगे तो प्रेस भी लोड लेगा, नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो ध्यान लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है, इसीलिए लोग अटैक करते नीतीश कुमार।